नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये मेरा वही मोगरा का प्लांट है जिसको मैंने जो है रेनी सीजन में कटिंग से तैयार किया था। कटिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस प्लांट को जो है अगस्त महीने में जो है लगाया था इस पोट में, और अभी प्लांट जो है काफ़ी बड़ा है। हालाँकि ये विंटर सीजन के दौरान डोरमेंसी में रहा था। और दोस्तों आपका प्लांट जो है किसी भी साइज़ के पोट में लगा हो पिछले 6 महीने से या फिर 1 साल से, तो उस प्लांट को जो है हमें फिर से रिपोर्ट करना रहता है स्प्रिंग सीजन में, यानी कि फरवरी महीने में या फिर मार्च महीने में। क्यों दोस्तों, जैसे कि जो है हमारे गमलों में से जब रूट बाउंड होने लगती हैं तो ऐसी स्टेज में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो है ना के बराबर होती है। प्लांट की ग्रोथ जो है हेल्दी हो इसके लिए हमें जो इसको रिपोर्ट करना है, फर्टिलाइज़र देना है स्प्रिंग सीजन में, और कुछ और भी ज़रूरी काम करने हैं जिनको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम जो है अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसकी स्टेम प्रूनिंग करेंगे। स्टेम प्रूनिंग का काम आप जो है स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी मार्च महीने में ज़रूर कर लें। हार्ड प्रूनिंग जितनी चाहो आप उतनी कर सकते हैं स्प्रिंग सीजन में, लेकिन जब आगे चल के हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग करने के बाद हमने जो है हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी होती है, सिर्फ लाइट प्रूनिंग ही करनी होती है। तो दोस्तों फरवरी मार्च इन 2 महीने में आप जो है अपनी मोगरा की अच्छी शेप को ध्यान में रखते हुए हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर लें। ऐसा करने से प्लांट की जो न्यू शूट्स निकलेंगी, जो नई टहनियाँ बनेंगी, वो एक समान जो है बनेंगी और अच्छा हमारा प्लांट घना होगा। तो इससे प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ही अधिक जो इसमें कलियाँ बनेंगी, उतने ही अधिक फूल खिलेंगे। तो इसलिए आप जो है फरवरी महीने में या फिर आप जो है मार्च महीने में ये प्रूनिंग का जो काम है ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर हमने जो अपने इस मोगरा प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर ली है, अभी हम जो इसको गमले में से बाहर निकालेंगे। और दोस्तों जो भी स्टेम्स जो हैं हमने काट कर अलग करी हैं उनको हम जो हैं कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इन्हें आप फेंकने के बजाय कटिंग के थ्रू ग्रो करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है प्लांट को जो है रूट बॉल के साथ गमले में से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसकी जो रूट हैं काफ़ी ज़्यादा रूट बॉल में बन चुकी हैं और न्यू रूट ग्रोथ के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो दोस्तों समर भर हमें जो है मोगरा प्लांट से फ्लावरिंग चाहिए, तो अभी हमने जो है इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है छाट कर हटा देते हैं। इसके अलावा हमने इसकी रूट प्रूनिंग भी करनी है। हालांकि मेरा प्लांट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं था, पोट छोटे ही पोट में लगा हुआ था, उसके बावजूद भी इसमें रूट ज़्यादा बन गई है, तो हमें इसे नए बड़े पोट में शिफ्ट करना ही पड़ेगा था, जिससे कि हम समर भर जो है इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकें। यदि दोस्तों आपका जो प्लांट है छोटे पोट में लगा था, जैसे कि मेरा प्लांट छोटे पोट में लगा था, तो साइड की रूट प्रूनिंग ना करके बॉटम पार्ट की रूट प्रूनिंग जो है ज़रूर कर दें, आधा से 1 इंच के लगभग। तो मैंने जो है लगभग आधा इंच के लगभग जो है बॉटम पार्ट की रूट प्रूनिंग कर दी है। अभी मैं दोस्तों अपने इस मोगरा प्लांट को इस पोट में लगाने वाला हूं जिसमें एक अच्छा सा ड्रेनेज होल बना है और इस पोट का साइज़ है 12 इंच। तो 10 से 12 इंच बड़े पोट में आप जो है मोगरा प्लांट को लगाएं। ज़्यादा छोटे पोट में आप तभी लगाएं यदि आपका प्लांट छोटा है। तो अभी हम दोस्तों मोगरा प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हो आपके पास या फिर गोबर की खाद हो, जो भी ऑर्गेनिक खाद हो आप उसको लें। तो दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड कर ली है, अभी हम जो है गार्डन सोयल भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो गार्डन सोयल है ये मेरी पुरानी मिट्टी है गमलों की, जो मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ प्लांट लगाने में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 40% नॉर्मल गार्डन सोयल ली है और 40% ली है वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पर 20% ले रहा हूँ कोकोपीट, लेकिन अगर आपके पास जो है राइस हस्क हो तो वह भी आप जो है 10% के लगभग जरूर ऐड कर लें। तो 40% नॉर्मल गार्डन सोयल, 40% वर्मी कंपोस्ट, 20% जो है कोकोपीट मैंने यहाँ पर मिट्टी को तैयार करने के लिए ली है। दोस्तों यदि आपके पास साफ फंजीसाइड पाउडर है केमिकल में, तो आप इसे आधा चम्मच के लगभग मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर आप ट्राइकोडर्मा पाउडर भी जो है मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड पाउडर है जो कि मिट्टी में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया फंगस को किल करता है, ऐसे बैक्टीरिया को फंगस को जो कि हमारे प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक जरूर ऐड कर लें, लेकिन दोनों को एक साथ ऐड नहीं करना है। तो मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद दोस्तों रिपोर्टिंग जब हमने प्लांट की कर ली है, तो हमने नॉर्मल पानी नहीं देना है, हमने पानी में ह्यूमिक एसिड ऐड करना है। आप 1 ml के लगभग जो है 1 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। ह्यूमिक एसिड दोस्तों जो है न्यू रूट ग्रोथ में हेल्प करेगा, वाइट रूट बनेंगी तो प्लांट की न्यू शूट्स निकलेंगी, प्लांट की न्यू ग्रोथ होगी,
तो इसलिए आपको ह्यूमिक एसिड जरूर ऐड करना है और रिपोर्टिंग के दौरान कोई अलग से फर्टिलाइजर नहीं देना है। हालांकि दोस्तों आपके पास यदि ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप काउडंग के एक लिक्विड मैन्यूर भी डाल सकते हैं। ये कंडे की तरल खाद जो है मैंने पहले से तैयार कर रखी है, तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप कंडे की लिक्विड खाद बना करके प्लांट में रिपोर्टिंग के दौरान डाल सकते हैं। इसमें भी A to Z सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो है इसमें ह्यूमिक एसिड जैसी भी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ये भी प्लांट की न्यू रूट ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ यूज कर सकते हैं, फिर दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये इस काम करने के बाद आपने जो है इसको फुल डे की सनलाइट में प्लांट को रख देना और टॉप सोइल के ड्राई होने पर ही फर्स्ट टाइम वाटरिंग करनी है। और प्लांट पर जितने भी पुराने पत्ते हों सभी पत्तों को आपने हटा देना है, फुल डे की सनलाइट में प्लांट को प्लेस कर देना है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।